जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टी आई यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस की तरफ से आई टी आई डिप्लोमा और टेंथ पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक अनिल सर आई टी आई वेबसाइट पर करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं आई टी बी पी के। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलती रहे। रेलवे 21 साल अप्रेंटिसशिप के मेरिट लिस्ट रिजल्ट, साथ ही आपको तीन अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा रहा है, इसरो को भरा रहा है, कई सारे अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन निकले हो तो उसको चेकआउट कर लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की फोर्स की वैकेंसी के बारे में दोस्तों, जिसकी सैलरी देखिएगा तो 25,500 से लेकर 81,101 हेड कॉन्स्टेबल का, और एक कॉन्स्टेबल की जो सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल और भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की मोटर मैकेनिक की वैकेंसी है दोस्तों, और एक ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसमें अच्छी खासी आपकी सैलरी है। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का 58 सीट है और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का 128 सीट है दोस्तों। इसका जो फॉर्म भरना है ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और इसका जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए एज लिमिट 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल रखा गया है दोस्तों, और इसका रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा SC ST OBC का और एक सर्विसमैन जो होंगे उन सभी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। कट ऑफ की जो डेट है मतलब किस डेट तक आपका एज लिया जाएगा तो 27 नवंबर 2022 तक आपका एज लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए तो 12th पास आउट चाहिए, यहाँ पे 12th पास आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से, और ITI होना चाहिए विथ 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ITI 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए हेड कॉन्स्टेबल के लिए, या आपके पास तो डिप्लोमा है 3 साल का एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तब आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिप्लोमा मांगेंगे, एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे डिप्लोमा के लिए, तो 3 साल का डिप्लोमा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक की बात करें तो 18 से 25 साल, मैट्रिक पास वाले भी देखिए यहाँ पे मैट्रिक पास, और यहाँ पे ITI चाहिए, ITI सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज, ITI होना चाहिए मोटर मैकेनिक से, या तो ITI होना चाहिए या 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो 10th के बाद ITI का मोटर मैकेनिक हो या 10th के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, जो भी है दोनों में से कोई भी एक है तो आपके इसके लिए योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि ITI को मोटर मैकेनिक एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस ITI वालों को मांगा गया हेड कॉन्स्टेबल में, कॉन्स्टेबल में यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ठीक है। और आप एक्सपीरियंस और होल्डर है तो हेड कॉन्स्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मोटर या कॉन्स्टेबल में अप्लाई करिएगा। इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ठीक है। एक फुल नोटिफिकेशन और जारी किया जाएगा, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है 29 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक भरा जाएगा। 29 तारीख को जो डेट नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी जानकारी और भी दी रहेगी दोस्तों। सेलेक्शन की प्रक्रिया जो है सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ठीक है। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन आपको यहाँ पे मोटर मैकेनिक के कैंडिडेट के लिए इसके पहले भी वैकेंसी निकली थी, तो जब भी निकलती है एक दो ट्रेड के लिए निकलती है, और आने वाले दिनों में और भी वैकेंसी आएगी तो अलग अलग ट्रेड को मौका मिलेगा। तो चैनल पर बने रहिए और देखते रहे अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल। अच्छी खासी बॉर्डर पुलिस की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म अप्लाई करिएगा, इसकी तैयारी करिए ताकि आपका इसमें हो जाए। क्या इसके पहले BSF की वैकेंसी निकली थी, जिससे काफ़ी सारे कैंडिडेट ITI के हुए, काफ़ी सारे कॉल्स आए कि सर मेरा हो गया, तो इस तरह से हो ITI वालों के लिए भी बॉर्डर पुलिस फोर्सेज में अच्छी खासी पोस्ट वैकेंसी निकलती है, ज़्यादा नहीं आती है लेकिन अच्छी खासी कभी कभी निकल जाती है, तो फॉर्म अप्लाई करिएगा। रेलवे के भी वैकेंसी निकलती है तो ज़्यादा मात्रा में निकलती है ग्रुप डी की, लेकिन इन सभी में कम वैकेंसी निकलती है, तो उसमें भी तैयारी करके लगे रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।